हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेमतराज मैथमेटिक्स में। मित्रों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, जो कि कक्षा 10 की प्रश्नावली 7.1 से संबंधित है। इसमें विभिन्न प्रकार के त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी sin, cos, tan, cot और cosec। इन सभी को हमें sec थीटा के पदों में व्यक्त करना है और हम सहायता लेंगे त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों की। तो शुरू करते हैं। पहली सर्व समीकरण है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, उस तरफ जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का मान निकालेंगे तो हो जाएगा अंडररूट 1 माइनस कोस थीटा, या साइन थीटा बराबर अंडररूट 1 माइनस कोस को लिखेंगे 1 अपॉन सेक थीटा। साइन थीटा बराबर अंडररूट, यहां स्क्वायर है तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, एलसीएम आएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा। sin थीटा बराबर ये हो जाएगा अंडररूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा का वर्गमूल हो जाएगा sec थीटा। तो आप देख रहे हैं sin थीटा व्यक्त हो गया है sec थीटा के पदों में। ऐसे cos थीटा का अपना सूत्र होता है 1 अपॉन sec थीटा, ये cos भी हो गया sec के पदों में व्यक्त। मित्रों, दूसरी सर्व समीकरण होती है 1 plus tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। यदि हम tan का मान ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, या tan थीटा बराबर अंडररूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला चौथा मान आएगा कोट का, तो कोट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा होता है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टेन का मान है अंडररूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि कोट भी sec के पदों में व्यक्त हो गया है। पांचवा मान है इसमें cosec थीटा बराबर 1 अपॉन sin थीटा, तो ये हो जाएगा cosec थीटा बराबर 1 अपॉन sin का मान हमने पहले ज्ञात कर लिया है अंडररूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा। ये sec थीटा ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा sec थीटा अपॉन अंडररूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप देख रहे हैं sin cos tan cot और cosec सभी त्रिकोणमितीय अनुपात थीटा के लिए हमने sec थीटा के पदों में व्यक्त किया है। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसी प्रश्नावली का अगला सवाल। चलिए मित्रों, अगले सवाल की बात करते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। इसी प्रश्नावली का दूसरा सवाल आपको मिलेगा कि साइन थीटा सेक थीटा व टेन थीटा को कोट थीटा के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसा हमने पहला सवाल देखा वैसा ही उसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसमें तीन त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए साइन सेक और टेन, इन तीनों को हमें करना है कोट थीटा के रूप में व्यक्त। तो देखते हैं हम साइन को क्या लिख सकते हैं। पहला देखें
साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा या साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा ये भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारे पास सर्वसमिका है वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो हमने कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया है वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगला है सेक थीटा। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस वन अपॉन कोट स्क्वायर थीटा, यहां से वर्ग हटाएंगे उधर वर्ग मूल लगेगा तो ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर अनुरूप वन प्लस वन अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। इसको एलसीएम लेके हल करेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर अनुरूप एलसीएम आएगा कोट स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस वन या सेक थीटा बराबर अनुरूप कोट स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन कोट स्क्वायर थीटा का एलसीएम वर्गमूल हो जाएगा कोट थीटा। और तीसरा मान पूछा हुआ है टेन का, तो टेन का अपने आप में सूत्र है वन अपॉन कोट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे साइन थीटा कोट के रूप में, सेक थीटा कोट के रूप में और टेन थीटा कोट के रूप में। दोस्तों ये था इसका दूसरा सवाल, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसी प्रश्नावली का तीसरा सवाल। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। तीसरा सवाल है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा। मित्रों इसमें दो पार्ट है सिद्ध करना हमें, ये हम ले लेते हैं पार्ट एलएचएस है और ये वाला पार्ट आरएचएस है। हमें एलएचएस को हल करते हुए आरएचएस को प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे इसमें आप देख रहे हैं दिया हुआ है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा। तो हम एलएचएस को हल कर रहे हैं, पहले इनमें कॉमन आ रहा है कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा हमने कॉमन लिया, यहां से अंदर बचा वन प्लस यहां से अंदर बचा कोट स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे कोस स्क्वायर थीटा ये हो गया वन प्लस कोट को लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये गुणा होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। हमें पता है कि एक सर्वसमिका है पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, तो हम इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह वन पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा गुणा वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वापस बन गया कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर जो कि होता है कोट स्क्वायर थीटा, इसलिए हम लिख सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस। ध्यान दे वापस सुने इस प्रश्न में क्या करना है, यहां से कोस स्क्वायर कॉमन लेना है फिर कोट स्क्वायर की जगह मान लिखना है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये यहां गुणा होगा तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बनेगा और इस सर्वसमिका द्वारा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान एक होगा, यहां हम एक रखेंगे तो वापस बनेगा कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर।
स्क्वायर थीटा और उसे लिखेंगे क्या कोट स्क्वायर थीटा, तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उन्हें अगला सवाल देखते हैं। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगले सवाल की तरफ हम रुख करते हैं। चौथा सवाल है इसी प्रश्नावली का, sec थीटा 1 माइनस साइन थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। सवाल है दोस्तों sec थीटा 1 माइनस साइन थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। इसमें भी उसी प्रकार दो साइड रहेगी LHS RHS, इसका हमें आंसर एक लेके आना है। वो कैसे लाएंगे देखते हैं, sec को हम चेंज करेंगे 1 अपॉन cos थीटा के रूप में, 1 माइनस साइन को ऐसे रखेंगे, सभी को साइन cos में कन्वर्ट कर रहे हैं, sec आएगा 1 अपॉन cos थीटा के रूप में और tan का खुद का सूत्र है sin अपॉन cos थीटा। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा गुणा, यहां LCM आएगा cos थीटा तो ऊपर बनेगा 1 प्लस sin थीटा। दोस्तों ऊपर एक सूत्र बन गया है a माइनस b a प्लस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह एक है और बी की जगह साइन थीटा है, तो इसमें लिखेंगे तो एक का वर्ग एक माइनस साइन का वर्ग हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे कोस और कोस गुणा होकर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब हमने पहली सर्वसमिका देखी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यदि हम इसमें से कोस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें तो ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा और नीचे भी चल रहा है कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर थीटा कट जाएगा और क्या देगा 1, तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। आप इसको नोट कर लें, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा, हम अगले सवाल की चर्चा करते हैं। हम सवाल संख्या 5 ले रहे हैं। हम अगला सवाल है अपना कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस लगा हुआ है यहाँ गुणा है, दोनों प्राप्त करना हमें। ये हो जाएगा LHS, ये हो जाएगा RHS, हम LHS को दोस्तों हल करेंगे और RHS को प्राप्त करेंगे। तो करना क्या है, कोस को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, इसलिए कोस स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही सेक को 1 अपॉन कोस लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, एलसीएम करेंगे तो एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों हमने एलसीएम लिया है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, गुणा करेंगे यहाँ पे वर्ग गुणा तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कोस स्क्वायर थीटा, और हमें पता है कि सर्व समीका से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता ही है, तो हम भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह वन पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को अलग अलग करके देखते हैं, वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा आपके कोसेक स्क्वायर थीटा, और वन अपॉन कोस हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो हम लिख सकते हैं एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। चलिए दोस्तों नोट कर लीजिए, चलिए दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा, रब कर देता हूँ मैं इसको। अगला प्रश्न हम देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, दो तीन बार बोर्ड परीक्षा में अगला प्रश्न आ चुका है जो अब हम लेने जा रहे हैं, छठा प्रश्न मिलेगा ये अपना दोस्तों। आपका क्वेश्चन है रूट वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा, और हमें प्राप्त करना है इसमें sec थीटा माइनस टेन थीटा। दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट भी नोट कर लेंगे साथ साथ में, क्योंकि ये प्रश्न दो तीन बार बोर्ड परीक्षा दसवीं बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। दोस्तों इसमें क्या करना है, इसमें हमें परिमेयकरण करना है। दोस्तों परिमेयकरण कैसे करते हैं, हर में जो व्यंजक लिखा हुआ है उसका उल्टा चिन्ह विपरीत चिन्ह लेते हुए अंश और हर में गुणा करवाएंगे, तो ये बनेगा अपना LHS और ये होगा RHS। हम LHS को हल कर रहे हैं यहाँ पे, तो परिमेयकरण करवाने के लिए क्या करेंगे, अंश में हर में यहाँ एक प्लस साइन है इसलिए हम लेंगे एक माइनस साइन थीटा से गुणा करने पर। मित्रों हमने क्या लिखा है, अंश में हर में एक माइनस साइन थीटा से गुणा करेंगे, और गुणा करेंगे तब क्या बनेगा देखें, ये लिखा हुआ ऐसे आएगा वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा, हम गुणा कर रहे हैं वन प्लस साइन थीटा से, सॉरी वन माइनस साइन थीटा से अंश में और वन माइनस साइन थीटा से ही हर में गुणा कर दिया दोस्तों, तो क्या बना देखें, वन माइनस साइन वन माइनस साइन ये बन गया वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ सूत्र लगेगा हर में ए प्लस बी, और ये हो गया ए माइनस बी, तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए की जगह एक है बी की जगह साइन थीटा है, तो एक का वर्ग करेंगे तो एक आएगा और साइन का वर्ग हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसको हल करेंगे, तो देखो हमने सर्वसमीकरण देखी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन होता है, यदि हम वन माइनस साइन स्क्वायर का देखें तो ये कोस स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, वही लिखेंगे अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। दोस्तों अंडर रूट लगा हुआ है इसलिए अब हम वर्गमूल करेंगे, तो ये अंडर रूट हट जाएगा और ये वर्ग भी साथ में हट जाएंगे, तो ये बनेगा आपके वन माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, दोनों को अलग अलग बांटेंगे तो वन अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, वन अपॉन कोस तो होता है सेक थीटा और साइन अपॉन कोस होता है टेन थीटा, तो आपका उत्तर बनेगा
sec थीटा माइनस tan थीटा हमें RHS में यही प्राप्त करना था दोस्तों। तो ये हो गया LHS equals to RHS। एक बार पुनः इस प्रश्न को देख लें, हमें अंश और हर में एक माइनस साइन थीटा से गुणा करना है क्योंकि हम परिमेयकरण करना चाहते हैं और परिमेयकरण करेंगे तो हर में ये सूत्र बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसको लेते हुए आगे हल कर लेंगे दोस्तों। आगे देखेंगे हम अगला प्रश्न।